दिखाई में खासतौर पर जो कैरेक्टर था बड़ा मशहूर हुआ देखा, मुझे नहीं बताना। अच्छा, इस ड्रामे के बाद कोई मतलब द रिएक्शन लोगों का, मीडिया का, हाउ Surprisingly, इतना, क्योंकि एक तो ये जॉनरा ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते लोग, मिस्ट्री का, सस्पेंस का, मोस्टली पाकिस्तानी ड्रामाज में सोशल ड्रामा ज़्यादा होते हैं, तो ये वाला ड्रामा लोगों ने इतनी ज़्यादा शौक से देखा। शादियाँ नहीं थी ना, शादी वाला मसला, हाँ, मामू की बेटी और शादी और इसमें ऐसा ऐसी तबाही मची, जबरदस्ती की थी, लेकिन टिपिकल नहीं थी दैट सस्पेंस। एक तो वेमेन सेंट्रिक ड्रामे, इस तरह से स्ट्रॉन्ग वेमेन नहीं दिखाई जाती जो कि जमदा का कैरेक्टर दिखाया, बाकी औरतें भी इसमें दिखाई गई इस तरह से। तो आई थिंक जो मिस्ट्री का जो जॉनरा था वो एक्सप्लोर किया इसमें और लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद। आप, आपकी लाइफ कैसी चेंज हुई आफ्टर दिस ड्रामा? कुछ कैरेक्टर्स होते हैं हमारा एक ग्रुप चैट, लाइफ चेंज तो नहीं बट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड के somebody is watching और रेगुलरली देख रहे हैं, वरना तो इतनी ऑप्शंस हैं ड्रामास की। तो हमारे खई का ग्रुप चैट है उसमें हम सब, अच्छा मजे की बात है, हमने कभी डिस्कस नहीं किया कि भाई किसी को नहीं बताना। वैसे भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि हम कहानी नहीं बता सकते, लेकिन आप फैमिली को तो पता ही होता है कि क्या चल रहा है। लिटरली नहीं बताता फैमिली, हाँ किसी को नहीं। खई की फैमिली में किसी ने कहीं पर भी कुछ रिवील नहीं किया कि अगले सेकंड क्या होना है, इस वजह से वो इंटैक्ट रही उसकी इंटेग्रिटी। ऐसे ही होता है, इतना ज्यादा लिटरली हम एक खई की फैमिली बन गए थे and we live together। और जो घर आप देख रहे थे खई में वो एक बड़ा प्यारा रिजॉर्ट है, हम वहीं रह रहे थे। अच्छा, वहीं रह रहे थे, रिवरडेल रिजॉर्ट है, और रिवरडेल रिजॉर्ट के ओनर्स एक ब्रिगेडियर साहब और एक उनकी बेगम है गुलरुख, वो इतना ख्याल रखा उन्होंने हमारा। इतना अच्छा लगता होगा ना, सुबह 7 बजे बुला रहे हैं, आज सीन है आ रही हूँ उसी वक्त, लेकिन, वक्त भी बुला लेकिन लिया। उसमें ये भी था कि उसमें ये भी था कि आप घर नहीं जा रहे थे, वी वर कॉन्स्टेंटली फीलिंग लाइक एट वर्क, इसलिए सब वर्क भी फील हो रहा था। जो डायरेक्टर थे वजाहत हुसैन, उन्होंने जो हमारे कमरे दिखाए थे वही कमरे रखे थे कैरेक्टर, लाइक जो बरेरा का कमरा था वो मेरा ही कमरा था, वो सुबह सफाई निकाल के हटाने पड़ते थे और फिर सेटअप होता था। तो इस तरह से कि यू कैन एक्चुअली मास्टर बेड किसके पास था? मास्टर बेड उस रिजॉर्ट में आई थिंक 8-9 बेडरूम्स थे, तो वो स्विच होता था कभी किसी से बड़ा रूम किसको, दिरो फिशा को मिला था या पैसे? नहीं, आई थिंक वजाहत को सही भी है, बट वो वाला रूम फिर दुरेफिशा और फैसल वाला रूम दिखाया जाता था। मुझे लगता है इनकी चैट में ना सब लिखते होंगे, हाँ जी कोई नया आइडिया आया मारने का, मेरा ख्याल है तलवार से मारते हैं, छुरी ठीक रहेगी, हैं करंट देते नहीं। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब हमने पहले दिन रीडिंग की थी, जब हम गिलगित पहुंचे थे, गिलगित पहुंचना एक सबसे बड़ा मिशन, ये भी नहीं पता स्कर्दू है, बहुत मुश्किल था। तो जब हम वहां पहुंचे, हमने जो पहली रीडिंग की, तो जो फैसल ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी ना, ही जस्ट स्टूड अप, ही गोस Oh my God! जब एंड पड़ा उसने ना, अभी तो you know obviously आप बता रहे हैं, so yeah it was brilliant and रास्ते बहुत मुश्किल थे। पहुंचते कैसे वैसे गिलगित कराची से? पहली दफा हम गए थे तो फिर स्कर्दू लैंड करके, फिर उसके बाद ड्राइव करके बसीन में, ये जगह है गिलगित बसीन। स्कर्दू से कितना दूर बाय कार? Around about 3 hours, लेकिन 6 hours लगे थे because had severe motion sickness, तो बहुत मुश्किल था उसके लिए ट्रैवल करना, and I didn't realize कि इतना debilitating होती है ये चीज़। मैं पहली दफ़ा किसी के साथ गई थी and बहुत बुरा हाल था। Then next time फिर हम flights पे गए थे, और शामिल को एक दफ़ा इस्लामाबाद जाना था, शामिल खान जो गुलाब खान प्ले कर रहे थे, and literally वो कहते हैं ड्राइवर और वो बैठे हैं और लैंडस्लाइड हो गई है, गाड़ी से छलांगे मारी हैं, आगे पत्थर नीचे पत्थर, फोन गिर गए, बहुत मुश्किल था। गिलगित वाज डिफिकल्ट टू ट्रैवल। नहीं जाएंगे, बट आई एम नॉट सेइंग कि नहीं जाना चाहिए। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।